तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं पुलाव, वो भी बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही ईजी, बहुत ही जल्द बनाना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहले हम चावल को वाश किए हैं। यहाँ पे ये है हमारा चावल हाफ के जी, और यहाँ पे हम कुछ मसाले हैं जो कि तेज़पात, गरम मसाले, दो हरी मिर्च और एक छोटे शेप का प्याज है जो कि हम कट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं बनाने का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो हम कुकर यूज़ करते हैं, आप चाहे तो डेगची या सस्पेन आप जो पसंद करते हो वो ले सकते हैं। कुकर में फास्ट होता है इसलिए हम कुकर में यूज़ करते हैं। तो कुकर में हम रिफाइंड डालेंगे 50 ग्राम, इसको हीट होने तक हम वेट कर लेंगे। और हीट हो जाने के बाद ये जो हम आपको दिखा रहे हैं मसाले, प्याज, मिर्ची, टोटल को इसी में डाल देना है। उसके बाद इसको ब्राउन होने तक इसको पका लेना है। लास्ट 40 से 45 मिनट में फाइनली ये ब्राउन हो जाएगा, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर ये पूरा ब्राउन हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे, कुकर में बनाएं आप, बहुत ही फास्ट होता है कुकर में। अगर आपको पता नहीं है तो कुकर एक बार यूज़ करें, ट्राई करें। तो यहाँ पे प्याज जो है हमारा ब्राउन होना शुरू हो चुका है, मसाला जो पक रहे हैं, ये पकने के बाद इसमें अब हम चावल ऐड करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये पक रहे हैं, अब यह मसाला जो है पक चुका है। आप देख सकते हैं प्याज जो है ब्राउन में पड़ गया है, अब इसमें हम चावल को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम चावल लिए हैं, अब इसमें हम ऐड करेंगे चावल को। चावल डालने के बाद इसको हम 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे हाई फ्लेम पे। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम चावल को डाल चुके हैं इसमें, अब भूनना शुरू कर दिए हैं। भूनने के बाद हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें अब हम नमक ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार आपको नमक ले लेना है। तो यहाँ पे हम नमक ऐड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसको अब हमें मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिला लेना है नमक के साथ। और इसके बाद हमें थोड़ी सी इसमें शुगर ऐड करना है, चीनी थोड़ा सा ले लेना है क्योंकि इससे मिठास आ जाता है। तो पुलाव में लाजमी आपको चीनी चाहिए। तो यहाँ पे आधा चम्मच हम चीनी ऐड कर लिए हैं, इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम वाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम गर्म पानी या ठंडा पानी, कोई भी पानी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ठंडा पानी यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जल्दी पकाना हो तो आप गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और चावल जो है, चावल में हम पानी डाल चुके हैं इसके पकने के हिसाब से। अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो तो मैं बता दूं कि चावल से 1.5 इंच ऊपर पानी लगता है कुकर में बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम पानी डाल चुके हैं, अब हम कुकर को बंद करेंगे और फाइनली एक सीटी लगाएंगे इसमें, मात्र आपको एक सीटी ही लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल हम मिक्स हो चुका है। अब कुकर को बंद करते हैं और एक सीटी के बाद हम चूल्हा को बंद करेंगे। हमारा प्रेशर जो है पकड़ चुका है कुकर का, तो फाइनली एक सीटी कंप्लीट होने वाला है। लास्ट 7 से 8 मिनट में एक सीटी कंप्लीट हो जाता है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे धनिया का पत्ता हम कट करके पहले से ही रखे हुए हैं। अब हम चूल्हा को बंद करते हैं, हमारा सीटी एक कंप्लीट हो गया है। अब चूल्हे पर से कुकर को नीचे उतारते हैं और आपको दिखाते हैं। प्रेशर निकलने तक हम वेट कर लेंगे। अब हम कुकर के ढक्कन खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हम ढक्कन हटा दिए हैं। ये जो है फाइनली हमारा पुलाव का रेसिपी कंप्लीट हो चुका है। इसके मसाले जो ऊपर दिख रहे हैं ये टोटल हम निकाल कर फेंक देंगे। तो यहाँ पर टोटल हम मसाला निकाल चुके हैं, अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे। तो कलर ऐड करने के लिए थोड़ा सा इसमें से चावल हम निकाल लिए हैं यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा कलर ऐड किए हैं। इसको हम मसल लेंगे, मसलने के बाद ऊपर से हम कलर इसमें ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम कलर ऐड कर रहे हैं। इसके बाद इसमें हम धनिया का पत्ता ऐड कर देंगे जो कट करके पहले से हम रखे हुए थे। धनिया का पत्ता से इसका लुक जो होता है चेंज हो जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे धनिया का पत्ता भी हम ऐड कर दिए हैं। फाइनली हमारा पुलाव बनकर तैयार हो गया है। आप सब बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा, बहुत ही इजी तरीके से हम बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक